हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज घर पे मसाला छाछ कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी होता है। ऐसा मसाला छाछ आप बाजार से मंगा के कभी भी नहीं खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए हम इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। मसाला छाछ के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दही लिया है, एक बोल दही है, ये हमारा 200 ग्राम दही है। थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट लिए हैं, जीरा पाउडर, सफेद नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, पुदीने की पत्ती, धनिया पत्ती और 2 से 3 हरी मिर्च लिया है। जरूरत के अनुसार हम उसमें पानी यूज करेंगे। तो चलिए हम छाछ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने मिक्सर जार का बड़ा वाला ले लिया है। उसमें हम डालेंगे सबसे पहले धनिए की पत्ती, हरी मिर्च और पुदीने की पत्ती। अब हम थोड़ा सा पानी के साथ इसे पीस लेंगे, क्योंकि दही डालने के बाद ये क्वांटिटी ज्यादा होने पे अच्छे से पिसता नहीं है। तो चलिए हम एक चिक करके ब्लेंड। तो आप देख सकते हैं अपनी धनिया पुदीना मिर्च दरदरा पीस चुका है। इस स्टेज पे हम अपनी दही को डाल देंगे। तो हम डायरेक्ट मिक्सर जार में दही डाल लेंगे और इसे भी 2 से 3 बार चला लेंगे। धनिया पुदीने के साथ अपनी दही अच्छे से फीट चुकी है, तो हम ढक्कन को हटा लेंगे। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे। तो सबको पता है कि छाछ पतली होती है, तो हम 3 से 4 ग्लास तक पानी डाल सकते हैं। हमने पानी डाल लिया है, अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया था ब्लैक पेपर, तो यहाँ पे हम ब्लैक पेपर डाल रहे हैं, जीरा पाउडर डाल रहे हैं, सफेद नमक, काला नमक। काला नमक से छाछ की स्वाद बढ़ जाती है। अब हम फिर से ब्लेंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी छाछ बनके तैयार हुई है। आपको ठंडा पीना है तो फ्रिज में रख के पीजिए, और बारिश का सीजन है, हम तो ताजा ताजा ही पीने वाले हैं, तो सर्व करके आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे हमने 2 ग्लास लिया है, उसमें छाछ डाल रहे हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी बढ़िया है, न ज्यादा पतला न ज्यादा गाढ़ा, ऐसी ही छाछ होती है। तो इसमें आप अपने मन पसंद मसाला कम ज्यादा कर सकते हैं। अब चलिए हम पुदीने की पत्ती से इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर से जीरा पाउडर टेस्टिंग करेंगे, थोड़ा सा हम ब्लैक पेपर डाल देंगे, और फाइनली हम इसपे पुदीने की पंखुड़ियां रखेंगे जिससे इसका लुक बढ़ जाए। वैसे भी छाछ में पुदीने की पत्ती का फ्लेवर बहुत ही सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया छाछ बनाना कितना आसान है, और ये बहुत ही टेस्टी घर में छाछ तैयार होता है। खाने के बाद इसे पीना तो बनता है, तो आप भी बनाइए, पीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।